ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घाट है जहां लाशों के आने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। चौबीसों घंटे यहां चिता के अंगारे सुलगते रहते हैं। कहते हैं रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यहां पर आत्माओं का मेला लगता है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हम अघोर के बारे में देखते हैं कि वो विस्टा खा लेते हैं, मतलब वो लाश में से उठाकर मीट खा लेते हैं। यहाँ पर लोग 5000 सालों से गंगा माँ के किनारे रह रहे हैं। जब आप सुबह गंगा को देखेंगे तो आपको पावरफुल एनर्जी फील होगी, शांति का एहसास होगा, स्वयं ऊपर वाले का आशीर्वाद का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप इसी गंगा किनारे रात को यहाँ आते हैं तो आपको कुछ अलग ही फील होगा। इंडिया सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भाषाओं का एक अनूठा संगम है। वैसे तो भारत में कई सारे धर्म हैं, उन्हीं में से सबसे प्राचीन है सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म से रिगार्डिंग बहुत सारे रिलीजियस डेस्टिनेशन भी पाए जाते हैं, जो अपनी पौराणिक गाथाओं से अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। इन्हीं डेस्टिनेशन में से एक है इंडिया की रिलीजियस कैपिटल और वर्ल्ड की स्पिरिचुअल कैपिटल बनारस, जो काशी और वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के तट पर बसा हुआ यह नगर हर हर महादेव की धुन में हमेशा मगन रहता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बनारस की एस्टेब्लिशमेंट खुद भगवान शिव जी ने की थी। बनारस में छोटे बड़े मिलाकर करीब 84 घाट हैं। यहाँ सभी घाट अपना एक अलग महत्व रखते हैं। इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण घाट है यहाँ का मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ लाशों के आने जाने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। 24 घंटे यहाँ चिता के अंगारे सुलगते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मणिकर्णिका घाट के बारे में, वहाँ के तौर तरीकों के बारे में और वहाँ की कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज रितिक कक्कड़ एंड यू आर वॉचिंग रितिक कक्कड़ व्लॉग्स। एंड इफ यू डोंट नो मी देन स्मैश द सब्सक्राइब बटन, जान जाओगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं हैं, जिसमें से डोम राजा की कथा बहुत फेमस है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माँ पार्वती का कुंडल गिर गया था। महादेव के पूछने पर जब कुंडल के विषय में किसी ने नहीं बताया तो उन्होंने समूची जाति को श्राप दे दिया कि आज से तुम लोग चिता को मुख अग्नि देने का काम करोगे, जिन्हें समकालीन युग में डोम जाति कहते हैं। वर्तमान में जगदीश चौधरी जी मणिकर्णिका के डोम राजा हैं। पार्वती आए थे नहाने काती में, तो उस समय कुंड था, गंगा की भी नहीं थी। बोली पार्वती जी शंकर जी से कि मैं नहाना चाहती हूँ काशी में। तो नहाने गई तो वो कुंड गिर गया उनका कान का, तो आके बोली शंकर जी से कि हमारा कुंड गिर गया है, इन सबों से कर दीजिए। उसमें 7 लोग थे पंडित लोग, तो उसमें से एक लोग से बोले कि ऐसा इनका कुंड ला के दे दो, गिर गया है। तो गया कुंड लेने के लिए, वो आ गया कुंड, कुंड आकर वो रख लिया। आके बोला कि नहीं मिला, तो उसी समय वो बोले कंडाल कहीं के रख के कह रहे हो कि नहीं मिला, तो लगा माफ़ी मांगने हो। वो अपने रूप में आ गए, फिर वो माफ़ी मांगने लगा। तो बोलने लगा कि प्रभु आप तो हमको कंडाल कह दिए, अब ये लोग हमको रखेंगे नहीं जाति में। तो कहे शायद ठीक है, तुम इसी जगह रहोगे, हिंदू धर्म के लोगों को अग्नि दोगे, उसी से उनका मुक्ति प्राप्त होगा। उसी समय से हम लोग का जाति बना। चिता की पहली 5 लकड़ियां डोम राजा ही रखता है। डोम जाति के लोगों का जीवन पूरी तरह से घाट पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि डोम राजा के घर का चूल्हा भी शमशान से आने वाली लकड़ियों से ही जलाया जाता है। कोई अग्नि का लकड़ी आता है मटन का घर से, हमारे घर पर भी आता है, खाना पीना उसी पर हम लोग खाते पीते हैं। उसमें एक चीज़ और आता है कि जो लकड़ी पर खाना बनता है, इससे मिर्गी की बीमारी नहीं होती। अंतिम संस्कार से मिलने वाली मामूली सी रकम ही इनके हाथ आती है, लेकिन
बदले में यह लोग मरने वाले के लिए मोक्ष पाने का सहारा बनते हैं। कहते हैं कि शमशान जीवन का अंतिम गंतव्य है और चिता अंतिम सत्य है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हर व्यक्ति अपने अहंकार में भूल जाता है और अपने कर्म को सही दिशा नहीं दे पाता। मणिकर्णिका घाट रोजाना हजारों शवों की अंतिम यात्रा का गवाह बनता है। यहाँ दूर दूर से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। मणिकर्णिका घाट और डोम राजा दोनों ही लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं बनारस के 80 घाट की। रात के वक्त 80 घाट कुछ इस तरह से दिखता है। कहते हैं कि रात के 2 बजे और 4 बजे के बीच स्पिरिट्स यानी आत्माओं की एनर्जीज हाई होती है, मतलब डार्क एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आज के ज़माने में हर कोई अघोरियों के बारे में जानता है, नागा साधुस के बारे में जानता है, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के बारे में जानता है। अघोरी साधु जैसे बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो भगवान के बाएं हाथ को अपनाते हैं। अघोरी साधु शिवजी की पूजा करते हैं और शिवजी की तरह अघोरी साधु ये मानते हैं कि प्रकृति से बनी हुई कोई भी चीज़ शुद्ध ही होती है। जो लोग अघोरियों के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। अघोरी हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है और टेक्निकली लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड, और ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं इंसान को अपने इंसानी रूप से अलग ले जाती हैं और शिव से मिलने का एक जरिया है। और इस पाथ पर सारे लोग पहुंच भी नहीं सकते। ये बहुत इंटेंस होता है, ये इतना साइकोट्रिक होता है कि बहुत लोग तो मतलब इवन दे लूज देयर माइंड। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हम अघोर के बारे में देखते हैं कि वो विस्टा खा लेते हैं, मतलब दे ऑल्सो इट मीट फ्रॉम डेड बॉडी, वो लाश में से उठाकर मीट खा लेते हैं। उनका मानना ये है कि सारा कुछ नेचर ने बनाया है, यदि एक चीज़ अच्छा है तो दूसरा बुरा क्यों। तो दे आर लुकिंग फॉर एन आंसर व्हाट पीपल से गुड एंड बैड। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अघोरी साधु हैं वो बहुत ही मतलब अल्टीमेट लेवल स्पिरिचुअल हैं। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए बहुत सी तंग गलियों से गुजर कर जाना पड़ता है और रास्ते में जाते वक्त आपको बहुत सारी अंतिम यात्रा भी निकलती हुई दिख जाएंगी। यहाँ के लोग मौत को अलग नज़रिए से देखते हैं और जो रास्ते से मणिकर्णिका घाट तक अंतिम यात्रा जाती है उन गलियों में भी लोग रहते हैं। ना जाने इन लोगों ने कितनी मौतें देखी होंगी, ना जाने कितनी चिताएं जलती देखी होंगी। और ये कुछ रात का माहौल है मणिकर्णिका घाट का। वैसे तो इन व्लॉग्स के जरिए मैं आपको हंसा भी सकता हूँ, चाहे तो शांति भी प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन ये सब बातें करना भी ज़रूरी होता है। बनारस के रहस्य, भारतवर्ष के रहस्य, हमारे सनातन धर्म के रहस्य, महाभारत और रामायण के अलावा भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आप ज़िंदगी के पाथ पर चलते चलते सीखेंगे, वो चाहे हमारे ही माध्यम से क्यों ना हो। ये सीख, ये रहस्य, ये लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। और अगर आपको भी लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के रास्ते पर चलना है तो उससे पहले इस लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के बारे में सारे पहलुओं को अच्छे से जान लें। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर लें। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। आओ दलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला।